और अब्दुल कलाम जी एक दिन अपना जन्मदिन वहां मनाने के लिए आए थे। उन्होंने कहा मुझे कोई प्रोटोकॉल नहीं चाहिए, मैं इन किसानों के साथ रहना चाहता हूं। बड़ा सक्सेसफुल प्रयोग था, महिलाएं काफी काम करती थी आदिवासी बेल्ट के अंदर। और मशरूम काजू वो गोवा की बराबरी का काजू पैदा करने लग गए थे और उन्होंने मार्केट प्राप्त किया था। छोटे किसान थे, छोटी जगह थी, लेकिन प्रयत्न किया तो परिणाम मिला। और अब्दुल कलाम जी ने इसी विषय में लिखा भी है, उन्होंने आकर के देखा था। तो मैं कहता हूं कि हमने नए प्रयासों की दिशा में जाना चाहिए। अब हम देखिए दाल की हमारी यहां कठिनाई थी, मैंने 2014 में आके किसानों के सामने रिक्वेस्ट की, उन्होंने देश के अंदर दाल की कठिनाइयों से हमें मुक्त कर दिया और उनको बाजार भी मिल गया, उनको बाजार भी मिल गया। और मैं देख रहा हूं कि आजकल ऑनलाइन ऑफलाइन इनाम के द्वारा भी गांव का किसान भी अपना माल बेच रहा है। हमने किसान रेल का एक प्रयोग किया इस कोरोना कालखंड का उपयोग करते हुए, और ये किसान रेल और किसान उड़ान ये भी अपने आप में बड़े बाजारों तक छोटे किसानों पहुंचाने का एक बहुत बड़ा मदद मिली है। एक प्रकार से ये ट्रेन जो है चलता फिरता कोल्ड स्टोरेज है, चलता फिरता कोल्ड स्टोरेज है। और मैं सदन के सदस्यों से जरूर कहना चाहूंगा कि ये किसान रेल कहने को तो सामान ढोने वाली व्यवस्था है, लेकिन उसने दूर सुदूर गांव के छोटे किसान को किसी और राज्य के बाजार दूसरे बाजार के साथ जोड़ दिया। अब देखिए नासिक से किसान मुजफ्फरनगर के व्यापारी से जुड़ा और क्या भेजा, उसकी ताकत बड़ी नहीं थी, 30 किलो अनार, 30 केजी अनार ये उसने वहां से ये किसान रेल से भेजा और खर्चा कितना हुआ, 124 रुपीज। उसको बड़ा बाजार मिल गया। ये 30 किलो इतनी छोटी चीज है कि शायद कोई कुरियर वाला भी नहीं ले जाता, लेकिन ये व्यवस्था थी तो यहां का किसान वहां तक जाकर के अपना माल बेच पाया है। उसी प्रकार से जो भी उसको सुविधा मिलती है, वो चाहे अंडे, मैंने देखा है कि एक अंडे किसी ने भेजे और अंडे भी उसको 60 रुपये खर्चा हुआ भेजने का और उसके अंडे पहुंच गए, समय पर पहुंच गए, उसका माल बिक गया। देवलाली का एक किसान 7 केजी उसकी कीवी उसको उसने दानापुर भेजी, भेजने का खर्चा 62 रुपीज हुआ, लेकिन उसको 7 किलो की कीवी का अच्छा बाजार मिला और दूसरे राज्य से जाकर के मिला। किसान रेल लगती छोटी बात है लेकिन कितना बड़ा परिवर्तन कर सकती है, इसका हम नमूना देखते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, चौधरी चरण सिंह जी ने एक किताब लिखी है भारत की अर्थनीति, भारत की अर्थनीति की किताब में चौधरी साहब ने लिखा सुझाव दिया है सारे देश को खाद्यान्न के लिए एक ही क्षेत्र मान लिया जाए। दूसरे शब्दों में देश के एक भाग से दूसरे भाग में लाने जाने के पर कोई प्रतिबंध न हो, ये चौधरी चरण सिंह जी की किताब का कोट है। कृषि सुधारों, किसान रेल, मंडियों को इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म, ई नाम, ये सारी चीजें हमारे देश के किसानों और से छोटे किसानों को एक बहुत बड़ा अवसर देने के प्रयास के भाग रूप हो रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, जो लोग इतनी बातें करते हैं, सरकार इतने सालों तक चलाई है, मैं ही नहीं मानता उनको किसानों की दिक्कत का पता नहीं था या उनको समझ नहीं थी, पता भी था समझ भी थी। और उनको मैं उन्हीं की बात आज याद कराना चाहता हूं, ये मौजूद नहीं है मैं जानता हूं, लेकिन देश के लिए समझना बहुत जरूरी है। मैं एक कोट पढ़ता हूं, द स्टेट टूक इनिशिएटिव टू अमेंड देयर स्टेट एपीएमसी एक्ट इन द ईयर 2005 इटसेल्फ, प्रोवाइडिंग फॉर डायरेक्ट मार्केटिंग, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, सेटिंग अप ऑफ ए प्राइवेट मार्केट, कंज्यूमर फार्मर मार्केट्स, ई ट्रेडिंग एंड नोटिफाइड द रूल्स इन 2007 टू इम्प्लीमेंट द एमेंडेड प्रोविजन। इन फैक्ट 24 प्राइवेट मार्केट हैव ऑलरेडी
कम अप इन द स्टेट। ये किसने कहा था?